आमतौर पर जब भी जेल का नाम जहन में आता है तो मन में कई तरह के सवाल कौन जाते हैं, मसलन वहाँ की सुरक्षा, कैदियों के खाने पीने की व्यवस्था कैसी होगी। लेकिन क्यूबा में एक ऐसी जेल है जहाँ इन सब बातों को सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कैदी की व्यवस्था पर ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। यही वजह है कि ये जेल दुनिया की सबसे महंगी जेल मानी जाती है। इस जेल का नाम है ग्वांतानामो बे जेल। इस जेल का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ग्वांतानामो खाड़ी के तट पर स्थित है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जेल में फिलहाल 40 कैदी हैं और हर कैदी पर सालाना तकरीबन 93 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जेल में करीब 1800 सैनिक तैनात हैं। यहाँ सिर्फ एक कैदी पर ही करीब 45 सैनिकों की नियुक्ति है। जेल की सुरक्षा में तैनात सैनिकों पर हर साल करीब 3900 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जेल में कैदियों को इतनी सुरक्षा क्यों दी जाती है, तो आपको बता दें कि यहाँ कई ऐसे अपराधियों को रखा गया है जो बेहद ही खतरनाक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9/11 हमले का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद भी इसी जेल में बंद है। इस जेल में 3 इमारतें, 2 खुफिया मुख्यालय और 3 अस्पताल हैं। इसके अलावा यहाँ वकीलों के लिए भी अलग अलग कंपाउंड बनाए गए हैं जहाँ कैदी उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ स्टाफ कैदियों के लिए चर्च और सिनेमा की भी व्यवस्था की गई है, जबकि अन्य कैदियों के लिए खाने के अलावा जिम और प्लेस्टेशन भी बनाए गए हैं। पहले ग्वांतानामो बे में अमेरिका का नेवी बेस था, लेकिन बाद में इसे डिटेंशन सेंटर यानी हिरासत केंद्र बना दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यहाँ एक कंपाउंड बनवाया जहाँ आतंकियों को रखा जाता था। इसे कैंप एक्सरे नाम दिया गया। ये तो बात हुई सबसे महंगे जेल की। अब हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के बारे में, जहां कैदियों के जीवन पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। इस जेल का नाम है गीतारामा जेल और यह अफ्रीकी देश रवांडा में है। कहा जाता है कि जेल में सुरक्षा कर्मी कैदियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि कैदी ही एक दूसरे को जान से मार देते हैं और उनकी लाशों तक को खा जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जेल की क्षमता 600 कैदियों के रखने की है, लेकिन यहां 7000 से भी ज्यादा कैदियों को रखा गया है। कहा जाता है कि इस जेल में कैदियों के रखने की जगह इतनी कम है कि उन्हें दिन रात खड़े होकर ही गुजारने पड़ते हैं। यही वजह है कि यहां कैदी जल्द ही किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मीडिया में आई खबरों की माने तो इस जेल में हर दिन करीब 8 लोगों की मौत किसी न किसी बीमारी की वजह से हो ही जाती है। कई मानवाधिकार संगठन समय समय पर इस जेल की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कैदियों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आया है। अमर उजाला.com